सरकार नहीं चलेगी अपनी धुआं हो रहा है वो थोड़ा बस 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 बोल रहे साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल शिक्षा मंत्री पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल नियोजन के लिए हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल लगाइए नारा हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल अरे पकौड़ा बेचवाने वाली या सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी पकौड़ा बेचवाने वाली या सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी बोल रहे साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल अरे बोल रहे साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बहाली करो बहाली करो बहाली करो देखते रहो बहाली करो बहाली करो बहाली करो पकौड़ा तलवाने वाली या सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे पकौड़ा क्या हुआ कि आप लोग आज पकौड़ा तोड़ रहे हैं आज हम लोग सांकेतिक रूप से सरकार को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सरकार का जो नीति है वो गलत नीति है नियोजन में इकाई में भेजने का और डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ शिक्षक की यह सबसे बड़ी गलत नीति है इसी का विरोध कर रहे हैं हम लोग की मांग है कि यह डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद कीजिए और एस्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए साथ ही साथ सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली कीजिए हमको जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन से नहीं उठने वाले हैं क्योंकि बिहार के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आज हम लोग पकौड़ा तल करके सरकार का प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं हम लोग का आज पकौड़ा तलने का 8वां दिन है 8 दिनों से हम लोग इस धरना स्थल पर डटे हुए हैं कल हम लोगों ने जूता पॉलिश करके सरकार का विरोध किया था हम लोग का एक ही मांग है कि स्टेट के मार्क्स पर बहाली करें ऑनलाइन ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली करें और जून 2022 तक के रिक्तियों को जोड़े और शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन करें और तमाम जो नियोजन इकाई है जो भ्रष्टाचार का आटा है इस नियोजन इकाइयों को तत्काल रद्द करें।